हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम आपके ये सेट लेकर के आएँ, क्योंकि जो हमारा सिलेबस चल रहा था वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी जो है ना, थोड़ी देर पहले मैंने देखा बाहर का मतलब मौसम इतना ख़राब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 10-15 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, जब बारिश हो जाएगी तो फिर इंटरनेट लाइव क्लास में नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कृपया प्यारे बच्चों, इसको दिल पर ना लें और हमें ये ना समझें कि हम अपने काम से बचना चाहते हैं। कभी भी हम काम से बचना नहीं चाहते, हम आपके लिए बेस्ट देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में पूरा अच्छे से करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बेहतर फील करोगे, ठीक है ना। साइंस का सेट नंबर 3 तक आ चुका था और ये प्यारे बच्चों सेट नंबर 4 है, और हम पूरा भरोसा मतलब ऐसा उम्मीद लग रहा है मुझे कि आप लोग बेहतर करोगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। और आप एकदम कोशिश करना, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग मुझे वादा करो प्यारे बच्चों कि 40 में से 40 क्वेश्चन है ना, 40 है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये है ना, ये मुझसे वादा करो मेरी बहना, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बेहतर पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चों का भी नंबर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो 40 में से 40 का आप लोग प्यारे बच्चों एक बार हुंकार भर दो, यस यस गुरु जी मेरे, 40 में से 40 आएगा सबका, एक बार कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों में, पूरे बिहार में प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने सभी दोस्तों में से खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें भी कह दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रहा है और सेट नंबर 4 संजय सर का आ चुका है और इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप कोशिश करना कि 40 में से 40 आए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जितने भी लोग हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो जाइए तैयार सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही मौसम ठीक होता है आपका हिस्ट्री वगैरह का भी क्लास हम लेकर के आएंगे, आज मौसम ठीक होता है तो आज ही लेकर आएंगे। देखो बारिश स्टार्ट हो गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं ना कि बरसात का कोई भी मतलब भरोसा नहीं कर सकते आजकल के मौसम में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का वाहक जो होता है प्यारे भाई मेरे, ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन, हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन जो होता है ना ऑक्सीजन का वाहक होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन बच्चों RBC में होता है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, देखिए क्वेश्चन है बच्चों रक्त में शकरकरा, शकरकरा का मतलब होता है बच्चों ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कौन नियंत्रित करता है। आपको खूब अच्छे से पता होगा कि हमारे ब्लड में बच्चों ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्यारे बच्चों एक हार्मोन है, वो है इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन बच्चों अग्न्याशय की लैंगरहंस द्वीपिकाओं से निकलता है और यही हमारे ब्लड में शकरकरा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, सही बात है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। कहते हैं भाई साहब मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर आप देखेंगे तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और प्यारे बच्चों हम इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है। देखिए बरसात हो गया, मैंने बोला था अभी बरसात होगा और हो गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखिए, कहते हैं कि दर्पण सूत्र कौन सा होता है। देखिए लेंस और दर्पण सूत्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आते हैं, पहली पाली में नहीं आया तो दूसरी में नहीं आया तो पहली में, लेकिन क्वेश्चन 100% आता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण में प्लस होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये होता है दर्पण का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, कहते हैं बच्चों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना टिंडल प्रभाव कहां पर प्रदर्शित करता है, ध्यान देना, टिंडल प्रभाव बच्चों जंगलों में देखा जाता है, जंगलों में टिंडल प्रभाव देखा जाता है और यह प्रदर्शित किसको करता है, तो टिंडल प्रभाव जो होता है ना प्रकाश के परावर्तन को नहीं करेगा, प्रकाश के अपवर्तन को भी नहीं करता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन को करता है, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि उत्तल, क्या लिखा है, उत्तल, ध्यान देखिएगा, कहते हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप लोग ये ना कोशिश करना कि आसान क्वेश्चन है, ये सोचो कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्यारे बच्चों कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, लेंस की अगर बात हो बच्चों तो लेंस में वास्तविक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक प्रकाश, क्या लिखा है, प्रकाशीय माध्यम, ध्यान रखिएगा, कहते हैं बच्चों कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है कि प्रकाशीय माध्यम जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वहां आपने देखा था कि प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट वाला माध्यम अगर आप देखेंगे तो पहला माध्यम होता है सघन, सघन, और दूसरा क्या होता है, विरल, विरल होता है, ठीक है ना। तो दो तरह के माध्यम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब इसको बंद कीजिए वाला लाइट तो नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि खिलौने, क्या लिखा है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौना जो हम लोग खरीदते हैं उसमें किस सेल का उपयोग होता है। तो आप सभी को पता होगा, जलाना होगा, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, ठीक जला दीजिए तब। खिलौने में अगर आप देखेंगे बच्चों तो सूखे सेल का,
ऑप्शन नंबर ए सूखे सेल का उपयोग होता है। आप सभी लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और अच्छा कमेंट्स होगा मुझे पता है। देखो अभी तो मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एक बार अपने दोस्तों के बारे में भी सोचिए, उसे भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और लाइक वगैरह सब लोग करेंगे इस वीडियो का, हम टारगेट रखते हैं पहले बच्चों 2.5K लाइक, ठीक है ना। यानी दो दिनों के अंदर इस वीडियो पर 2500 लाइक्स हो जाएंगे, मैं ऐसा टारगेट करता हूँ, ठीक है। और मुझे पूरा पता है कि आप लोग पूरा कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं? नहीं बच्चों, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख के बताइए कौन सा ऐसा है इसमें जिसमें विस्थापित हो रहा है। आप यहाँ पर देखोगे एक बड़ा सा यौगिक है, टूट करके दो सरल यौगिक में बट रहा है, इसे हम कहेंगे वियोजन। ऐसा जब भी होता है बच्चों हम इसे वियोजन कहते हैं। यहाँ देखें दो सरल यौगिक है, टूट करके एक बड़ा यौगिक बन रहा है, हम इसे संयोजन कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो है ना क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट में हम आयरन की रॉड डालते हैं, आयरन की रॉड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर बन रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी में विस्थापन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में विस्थापन हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड अगर आप देखोगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग देखोगे तो वह श्वेत हो जाता है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सभी सही कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है बताइए। तो ऑप्शन है NaOH बच्चों, यह कैसा है? यह हमारा प्रबल क्षार है, आप पढ़ चुके हैं, यह एक प्रबल क्षार होता है। NaCl एक लवण है, आप सबको पता है। HCl होना चाहिए यहाँ पर। HCl क्या है? एक अम्ल है। और KOH भी क्या है, है ना, क्या है? क्षार है, क्षार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि NaCl का pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। चलिए देखो जी, मैग बहुत गरज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की तूतिया यानी कि नीला थोथा। नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है? नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का आप सबने पढ़ा था कि सर CuSO4 प्लस में 5H2O, ये होता है नीला थोथा का अणुसूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, गंधक है ना, गंधक मतलब सल्फर। क्या होता है? सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? क्या लिखा है बच्चों? सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सिलिकॉन 14 हो जाएगा, ठीक है ना। फास्फोरस हो गया, ठीक है ना। सल्फर क्या होगा? सल्फर का 16, क्लोरीन 17 होता है, तो सल्फर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आप लोग मुझे बताना बच्चों कैल्शियम का कितना होता है, है ना। इजी है, पर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है, धातु और अधातु के ऑक्साइड बहुत ईजी है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि है ना धातु, और फिर क्या बता, अधातु, ठीक है ना। धातु के भस्मीय होते हैं और अधातु के अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि कार्बन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन क्या है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो कार्बन के बारे में आप देखेंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कार्बन क्या हो जाता है? कार्बन देखेंगे तो आप अधातु हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पीतल के बारे में। पीतल क्या है? पीतल, तो पीतल आपका हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में मैंने पढ़ाया है, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पढ़ाया है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, असंतृप्त का मतलब है बच्चों, मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। पहला होता है संतृप्त यानी जिसमें एल्केन आता है, एल्केन, और दूसरा होता है असंतृप्त। ऐसा है ना, असंतृप्त में दो आता है, एक तो एल्कीन आता है और दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो ये CnH2n प्लस में हो जाएगा 1, और ये हो जाता है CnH2n-2, ठीक है ना। ये दोनों आता है, तो देखना है कि ये वाला नियम किस में लग रहा है, ठीक है ना, असंतृप्त में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे CH4, तो ये हो गया आपका CnH2n+2 हो गया क्या? नहीं, ये तो +2 भी नहीं लिया, ये वाला होता है CnH2n+2, ये वाला हो गया। तो CN यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया,
दो चार, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो एल्केन है, ये तो एल्केन है, हो ही नहीं सकता। इसको देखिए सी टू एच है ना, ये हो गया सी एन एच टू एन, टू एन, टू एन हो गया ये, ठीक है ना। सॉरी नहीं, यहाँ पर गलत है, ये वाला गलत है बच्चों, एल्कीन का मैंने फार्मूला गलत लिख दिया। एल्कीन का होता है सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन होता है, ठीक है ना। एल्कीन का क्या होता है, सी एन एच टू एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें फार्मूला सी एन एच टू एन फार्मूला लगता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्लास होने वाला है उसमें हम आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन ही आ गया, बताओ ये कौन सा, मतलब बहुत अजीब चीज़ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि ये जो हमारा बेंजीन का फार्मूला होता है ना C6 और H6, इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, उपधातु के बारे में बोला गया है, कौन सा उपधातु है। कॉपर तो धातु है, निकेल भी धातु है, आयरन तो धातु है जी, उपधातु कौन सा है, Sb, Sb एंटीमनी जो होता है ना, ये क्या है, उपधातु होता है। सिलिकॉन भी उपधातु है, जर्मेनियम भी एक उपधातु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है, ठीक है। बड़े लोग गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत होता है ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना अधिकांश बच्चे गलत करते हैं कि पौधों में श्वसन होता है, अधिकांश बच्चे मार के आ जाते हैं पत्तियों में, नहीं, पौधों में श्वसन हर अंग से होता है। लेकिन अगर पूछे गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों से होता है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कितना अच्छा आप लोग का सही हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, और हमने जो बोला था इस वीडियो का जो हमारा लाइक है 2.5K, ये अगर आप प्यारे बच्चों 2 दिन के अंदर इसमें पूरा होता है तो हम अगली वीडियो भी लेकर के आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से है। देखो ये जो श्वसन तंत्र वाला बीमारी वाला क्वेश्चन है ये बहुत आता है, ठीक है ना। डायरिया से तो कोई श्वसन तंत्र का कोई मतलब है नहीं, डायरिया से तो डायरिया आप हटा दो, मलेरिया भी हटा दो, मधुमेह भी हटा दो। निमोनिया, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा श्वसन तंत्र यानी श्वास लेने वाला सिस्टम प्रभावित होता है, निमोनिया याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 23 नंबर क्वेश्चन कि एंड्रोजन क्या है। ये क्वेश्चन कम से कम मैंने 10 बार आपको पढ़ा दिया होगा एंड्रोजन, फिर भी मुझे पता है कि कुछ बच्चे गलत करेंगे, 10 बार पढ़ा दिया है फिर भी कुछ बच्चे गलत करेंगे कि एंड्रोजन क्या होता है। एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, पाचक रस के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। यस, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 24 में, 22 होने वाली, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो पहले वृषण से तो कोई मतलब है नहीं बच्चों, है ना, थायराइड से कोई मतलब है नहीं, बचा दो थाइमस और एड्रिनल, क्या बचा, थाइमस और एड्रिनल। तो याद रखना चाहिए एड्रिनल जो होता है ना वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, एड्रिनल हो जाएगा, ठीक है ना, एड्रिनल द्वारा होता है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों की एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका क्या आंसर बताएं, इतना आसान क्वेश्चन है ना, इतनी बार पूछा गया है, जैसा कोई लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न मिक्सिस है ना, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा पार्ट ऐसा है बच्चों जो महिलाओं में नहीं होता है। अंडाशय 100% होता है, गर्भाशय तो महिलाओं में ही होता है, डिम्बवाहिका भी महिलाओं में होता है, पर बच्चों एक चीज़ नहीं होता जिसका नाम है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में होता है, पुरुषों में होता है, यह किस में होता है, पुरुषों में होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई 40 में 40 सही करके जाएंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन किस में होता है, बताइए द्विखंडन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है। तो याद कीजिए अमीबा, अमीबा क्या होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इस तरह से हमारा अमीबा होता है और उसमें फिर क्या होता है, ये बीच से पचक जाता है और इसका द्विखंडन हो जाता है, किसका, अमीबा का, अमीबा का क्या होता है, द्विखंडन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, कहते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन प्यारे बच्चों एक हार्मोन है, कई बार पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, सबसे पहली बात है पुरुष में, एक नरलिंग हार्मोन है, यह स्रावित किससे होता है, तो हमारे वृषण से होता है। अच्छा वृकक के बारे में कहा जाता है, वृकक को किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो प्यारे बच्चों नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन की। एक वृकक में कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, समझ गए ना। चलिए वृकक कितने होते हैं बच्चों, 2 वृकक होते हैं जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। अंडाशय, ये तो अंडाशय महिलाओं में है,
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़े फास्टली हमको चलना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे। मानव मस्तिष्क का औसत भार 2 kg मार के आ जाते हैं, ठीक है ना। कितना है? 1.4 kg होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम सुचालक है, यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सबसे बढ़िया चालक कौन सा है। तो मैंने बताया था सबसे पहले बच्चों चांदी ले लो, अड़ा सबसे पहले क्या होता है, चांदी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर ले लो, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया तो आप चांदी होगा ना, तो आपका चांदी कौन सा, ए जी, ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बढ़िया होता है सुचालक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि आवर्त सारणी के उदरगत स्तंभों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सेट हो गया आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा, फास्टली में होगा बच्चों, कि आवर्त सारणी के उदरगत स्तंभों को क्या कहते हैं। जब आवर्त सारणी आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों, तब हम इस क्वेश्चन को पढ़ाएंगे कि आवर्त सारणी जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, जिसमें खड़े स्तंभ जितने भी हैं, खड़े स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। उदर्ग मतलब खड़े, खड़े स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जितने भी क्षैतिज हैं पहले बच्चों, जितने भी क्षैतिज हैं, हम उसे आवर्त कहते हैं। तो दिस इज वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है कि पीतल क्या है। तो भाई साहब पीतल एक प्रकार का, जल्दी से कमेंट कीजिए, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू, आप इतना ज़्यादा पढ़ लियो ना, आप इतनी बार क्वेश्चन को पढ़ लियो कि आपको सब आसान लग रहा होगा कि अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है। 7 नहीं होता है, 7 तो उदासीन का होता है, अम्ल का होता है 7 से कम होता है अम्ल का, क्षार होता है, 7 से अधिक किसका होता है, क्षार का हो जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। यस, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों कि एच सी है ना, आपको मैंने पढ़ाया था एच सी एल का पीएच वैल्यू कितना होता है, एच सी एल का पीएच वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। यस, और एक बच्चों एक और बताना, नींबू रस क्या होता है ना, नींबू रस, नींबू रस रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट है, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ये तो हमने 2 दिन पहले पढ़ाया कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। मीथेन बच्चों CH4, ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, याद है कि नहीं है। यस सर, याद है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन समूह के हैं, और इसमें सबसे सरल है मीथेन। मीथेन एक जहरीली गैस है बच्चों, जहरीली गैस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो पहले बच्चों मानव का अगर हम देखें सबसे ज़्यादा उत्सर्जी अंग, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है। देखो आँख क्या है, यह एक संवेदी है ना, यह एक हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है ना। वृक्क जो होता है ये होता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है पहले बच्चों कि शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है बताओ। शुक्राणु जो हमारा बनता है ना, शुक्राणु वो कहाँ बनता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। शुक्राणु जब भी बनेगा तो वो वृषण में बनेगा। बहुत सारे बच्चे गलती से ऐसे मार देते हैं मूत्राशय में, मूत्राशय में शुक्राणु नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन बच्चों, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, हम उसे संसाधन कह रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, वायु प्रकृति का है, मिट्टी प्रकृति का है, जल प्रकृति का है, लेकिन जीवधारी कोई संसाधन नहीं है। जीवधारी प्यारे बच्चों संसाधन नहीं है, यह तो उपभोक्ता है। जितने भी जीवधारी हैं ये संसाधन का उपयोग करते हैं, इसलिए हम जीवधारियों को उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। एक पेड़ पौधे को छोड़कर सभी क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे प्राकृतिक संसाधन, जीवधारी को भी संसाधन के रूप में उपयोग नहीं होता है, ये तो इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है। पहले बच्चों इंसुलिन की कमी से क्या होता है बताओ, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, घेंगा होता है आयोडीन, और बौनापन बच्चों होता है ना, बौनापन किससे होता है, तो सर बौना हो जाता है आपका हार्मोन की कमी से, है ना, वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, बौनापन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। आपने खूब अच्छे से पढ़ा है समतल दर्पण के बारे में कि हमेशा किसी भी वस्तु का ये प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक। समतल और उत्तल, समतल और उत्तल, यह हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्यारे बच्चों कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है।
प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट मैंने कई बार बताया कि निकट का मतलब है तीन, तीन अक्षर। इलाज हमेशा बड़ा होना चाहिए, अवतल अवतल होगा चार। एक चीज़ को इतनी बार पढ़िए कि क्वेश्चन गलत ना हो सके। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितना सही किया, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से लगभग प्यारे बच्चों ने 40 में से 40 किया होगा। अगर आप 35 प्लस भी कर रहे हो ना, अगर आप 35 प्लस भी कर रहे हो तो आप समझो बहुत बेहतरीन स्कोर में हो। और प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो या पहले भी आए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आपको प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर एक लाल वाला बटन होगा सब्सक्राइब वाला, एक साथ जितने लोगों ने नहीं दबाया जिसका लाल दिख रहा है सब लोग दबा के वाइट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों ये बारिश हो रहा है, आपको पता है ना, अभी बारिश हो रही है हल्का फुल्का। जैसे मौसम ठीक होता है हम लाइव क्लास में आपके सामने लाइव आते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने बताया कि इसमें लाइक का हमने दिया है 2.5K, तो ये आप लोगों को पूरा करना है। कैसे करना है आप लोगों को अच्छे से बताएं, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग जो लोग भी इसका PDF मिल जाएगा प्यारे बच्चों पेड क्लास में, जो लोग पेड में नहीं जुड़े हैं, पेड में जुड़ने के लिए 7700879453 पर आप कॉल कीजिए। इस पर जुड़कर प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सअप ग्रुप में हमारा जुड़िए, इस नंबर पर अभी कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें व्हाट्सअप क्लास में जुड़ना है। आपको हर क्लास का जो पहले हुआ है और जो बाद में होगा हर क्लास का PDF मिलेगा प्यारे बच्चों। मात्र 251 रुपीज़ हमारा फीस है। ऐसा नहीं कि हम 10,000 रखें, 5,000 रखें, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब बच्चा ले सकता है। तो आप हमारे, हम आपका 100% मदद तब कर पाएंगे जब आप मेरे इस नंबर पर जुड़ के व्हाट्सअप से जुड़ेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप मुझे थोड़ी सी भी गुरु दक्षिणा देते हैं तो फिर आपको 100% मदद कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, और नीचे कमेंट कीजिएगा सब लोग जाकर के वीडियो के नीचे आपका कितना स्कोर रहा, और अपने दोस्तों को आपने शेयर किया या नहीं किया, और जो जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर भी। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव क्लास में। लव यू सभी को।